बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक एलईडी हो या एक डायोड हो, उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को एनोड कहते हैं और एक टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। एनोड टर्मिनल के ऊपर आपको पॉजिटिव अप्लाई करना पड़ता है और कैथोड टर्मिनल के ऊपर आपको नेगेटिव अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम लोग एनोड पे वीसीसी मतलब पॉजिटिव अप्लाई करते हैं और कैथोड पे हम लोग ग्राउंड या नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तब आपका डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, या अगर एक एलईडी है तो ऑन हो जाएगी, लाइट देना शुरू कर देगी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है एक डायोड का, या हम लोग अगर कहें एलईडी जो कि डायोड की ही टाइप है, लाइट इमिटिंग डायोड। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्या है? सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर सात एलईडीज होती है जिनको डिजिट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी ए, एलईडी बी, एलईडी सी, डी, ई, एफ, जी। इनमें से हम लोग अपनी कोडिंग के थ्रू एलईडीज को ऑन या ऑफ करते हुए अपना रिक्वायर्ड डिजिट शो करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हो इन्हीं सेवन एलईडीज को ऑन या ऑफ करते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जी को ऑफ कर देता हूँ और बाकी सबको ऑन कर देता हूँ तो जीरो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं बी और सी को ऑन करवा देता हूँ तो वन डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, हम लोग कुछ एलईडीज ऑन कर रहे हैं, कुछ ऑफ कर रहे हैं। अगर मैं सब ऑन करवा देता हूँ तो ये एट बन जाएगा। अगर मैं ई ऑफ करवा देता हूँ और डी ऑफ करवा देता हूँ तो ये नाइन बन जाएगा। मैं नाइन अपनी मर्जी से भी शो करवा सकता हूँ, मैं डी भी ऑन करवा देता हूँ तो यहाँ पर भी एक बार आ जाएगा। तो ये आपको एक एग्जाम्पल शो करवाई हुई है कि किस तरह एलईडीज के ऑन या ऑफ होने की वजह से हम लोग अपना जीरो से लेके नाइन तक का कोई भी डिजिट इस सेवन सेगमेंट के ऊपर शो करवा। तो अगर हम लोग आगे बढ़े, जो सेवन सेगमेंट है वो दो तरह से कन्फिगर किया जाता है। अब सेवन सेगमेंट हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सेवन एलईडीज है, तो इसको दो तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। या तो आपके पास कॉमन एनोड सेवन सेगमेंट होता है या कॉमन कैथोड सेवन सेगमेंट, दोनों में फर्क क्या है? पहले कॉमन एनोड देखते हैं। कॉमन एनोड का मतलब ये है कि इसके जितने एनोड्स होंगे उन सबको पहले से कॉमन कर दिया जाएगा और उनके ऊपर वीसीसी भी अप्लाई कर दिया जाएगा। तो मतलब एक साइड से टर्मिनल कंप्लीट है, पॉजिटिव वाली साइड एनोड वाली साइड को कॉमन करके उस पर वीसीसी अप्लाई कर दी हुई है। अब अगर मैं एलईडीज को शो करवाना चाहता हूँ, एलईडीज पे कोई डिजिट ऑन करना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरी वाली साइड पे जीरो अप्लाई कर, मतलब मैं ए पे जीरो ऑन अप्लाई करूंगा मतलब ग्राउंड अप्लाई करूंगा तो ये ऑन हो जाएगी, बी पे ग्राउंड अप्लाई करूंगा तो ऑन हो जाएगी, अगर वन अप्लाई करता हूँ तो ऑन नहीं होगी क्योंकि दोनों टर्मिनल पे वन आ जाएगा। तो कॉमन एनोड का मतलब ये है कि इसमें एनोड कॉमन है। अगर हम इसके अंदर डिजिट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके हम लोग टर्मिनल्स पे ए बी सी डी ई एफ के ऊपर जीरो भेजा करेंगे तो ये डिस्प्ले को ऑन किया करेगा, डिजिट को ऑन किया करेगा। इसी तरह कॉमन कैथोड की बात की जाए तो कॉमन कैथोड के अंदर सबके नेगेटिव कॉमन है और वो ग्राउंड हुए हैं। पॉजिटिव साइड पे अगर आप वन अप्लाई करते हो मतलब वीसीसी देते हो तो आप उस डिजिट को ऑन कर सकते हो। बेसिकली इसको बताने का पर्पस ये है, कॉमन एनोड जीरो पे डिजिट डिस्प्ले करवाता है, कॉमन कैथोड वन पे डिजिट डिस्प्ले करवाता है। हम लोग इसके रिस्पेक्ट से अपना एक टेबल बनाएंगे ताकि हम लोग सेवन सेगमेंट्स के ऊपर अपनी मर्जी से एलईडीज को ऑन करवाते हुए अपना डिजिट शो करवा सकें। तो अगर मैं बात करूं कॉमन एनोड की तो आप देख सकते हो कि सेवन सेगमेंट के अंदर सात के सात एलईडीज कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। अगर आप गौर करो तो ये एक डिजिट ही बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनके क्योंकि ये कॉमन एनोड है इन सब के एनोड्स को कॉमन करके इसी एट की अरेंजमेंट के अंदर वीसीसी अप्लाई कर दी जाती है और जो इनका दूसरा टर्मिनल होता है वो ब्लैंक होता है, मतलब ए वाला टर्मिनल ब्लैंक है, बी सी डी ई एफ जी। हम लोग जिस पे भी जीरो सेंड करेंगे क्योंकि ये कॉमन एनोड है वो आपके पास डिजिट ऑन हो जाएगा। अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी सब पे जीरो सेंड कर देता हूँ तो सारी एलईडीज ऑन हो जाएंगी, मतलब मुझे एट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बी और सी के ऊपर जो है वो जीरो अप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब है बी और सी ऑन हो जाएंगी और हमें वन डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉमन एनोड की प्लेसमेंट है। इसी तरह कॉमन कैथोड के केस में भी सेवन आपके पास एलईडीज को इसी डिजिट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि उस केस के अंदर उनकी कैथोड्स को कॉमन करके ग्राउंड कर दिया जाता है, हम उनपे बाकी टर्मिनल्स पे अगर वन अप्लाई करते हैं तो वो ऑन।
ये बेसिकली आपके पास एक छोटा सा सेवन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है,